स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 का मैथ एक्सरसाइज 3.2 का पार्ट 2। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था, जो कि वर्ड प्रॉब्लम था, है ना। वर्ड में कुछ प्रॉब्लम दिया हुआ था, इसको इक्वेशन बनाए थे, उसको फिर ग्राफिकली सॉल्व करना था, उसका ग्राफ बनाना था, तो पार्ट 1 में हमने किया। अगर वो वीडियो आप ना देखे हों तो आप प्लेलिस्ट में जाएं। प्लेलिस्ट में हमारा क्लास वाइज प्लेलिस्ट बनाया हुआ है इस चैनल में, चाहे आप क्लास 8 का हो या 9 का हो या 10 का हो, सभी क्लास का अलग अलग लिस्ट बना हुआ है। आप उस पर जा करके और सभी वीडियो को एक लाइन से देख सकते हैं। चैप्टर वाइज उसमें सभी वीडियो डाला हुआ है और बाकी का भी रोज़ाना एक वीडियो हर क्लास का अपलोड किया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं आज एक्सरसाइज 3.2 टेंथ क्लास का मैथ है। क्वेश्चन क्या है, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, है ना। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/2 b1/2 एंड c1/c2, फाइंड आउट वेदर इट इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट पैरेलल को इंसिडेंट। यानी कि अनुपात a1/2 b1/2 और c1/c2 की तुलना कर, इससे तुलना करना हमको a1/2 b1/2 और c1/c2, इससे तुलना करके हमको ज्ञात करना है कि दिया गया जो समीकरण है वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, समांतर है अथवा समपाती है, ये तीनों में से क्या है उसको हमको छांटना है, ठीक है। तो सबसे पहले जानना होगा कि ये प्रतिच्छेद करता है, ये क्या होता है, समांतर क्या होता है, समपाती क्या होता है, कब बोलेंगे कि प्रतिच्छेद कर रहा है, कब लिखेंगे कि समांतर है और कब समपाती है, तो इसको पहले जानना होगा। तो चलिए देखते हैं। दो इक्वेशन दिया हो रहेगा जिसमें से हमको निकालना है a1 b1, a2 b2 और c1 c2, है ना। दोनों इक्वेशन से वो सब निकलने के बाद हम उसको देखेंगे, इस फार्मूला में लगाएंगे a1/a2 और b1/b2, इसी से तुलना करने बोला है a1/a2 b1/b2 और c1/c2। तो हम देखेंगे जब तुलना करेंगे तो a1/b2 अगर b1/b2 पे नॉट इक्वल है, बराबर ना है, इसका मतलब क्या होगा कि वो इंटरसेक्टिंग लाइन है, यानी कि वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। कब लिखेंगे वैसा, जब a1/a2 बराबर नहीं आएगा b1/b2 का, दोनों का वैल्यू निकालेंगे, अगर बराबर नहीं आया तो उसमें लिख देंगे कि यह एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, ठीक है, अगर बराबर नहीं आया तो। और अगर बराबर आ गया a1/a2 b1/b2 और c1/c2, यानी तीनों अगर बराबर आ गया, तो तीनों बराबर आने से उसको लिखते हैं कोइंसिडेंट लाइन, यानी समपाती रेखा है, कैसा है, तो वो समपाती है, ठीक है। और अगर एक बराबर आया a1/a2 और b1/b2, ये दोनों बराबर आया लेकिन c1/c2 बराबर नहीं आया, तो ऐसे सिचुएशन में लिखना है कि पैरेलल लाइन है, वो जो लाइन बनेगा वो कैसा बनेगा, तो पैरेलल लाइन या इसको हिंदी में समांतर रेखा कहते हैं, ठीक है। तो ये तीन चीज़ को ध्यान में रखना है, यही तीनों से सारा क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन बनाकर देखते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं 5x-4y+8=0 है, और दूसरा इक्वेशन इसी का है 7x+6y-9=0। अब यहाँ से हमको क्या करना होगा, a1 b1 c1, उसके बाद a2 b2 c2, ये तीनों चीज़ निकालना है। तो ये होता क्या है इसको देखते हैं। तो पहला इक्वेशन जो है इसमें x के साथ जो रहता है उसको a बोलते हैं, y के साथ जो रहता है उसको b, और जो जिसमें x y कुछ ना हो उसको c बोलते हैं, ठीक है। तो वैसे करके ए बी सी निकालेंगे, यानी इसका जनरल फार्मूला क्या है, ax+by+c=0, इससे कंपेयर करना है, ठीक है। ax+by+c से कंपेयर करके हमको ए बी सी तीनों को निकालना होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं समीकरण 1 में, देखते हैं समीकरण 1 में या 1 से फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, 5x-4y+8=0। अब इसको अगर कंपेयर करें इससे तो क्या हो रहा है, देखिए x के साथ जो रहता है उसको a बोलते हैं, तो यहाँ पे x के साथ कितना है, 5 है, तो क्या लिखेंगे, a=5, क्योंकि दो इक्वेशन है इसमें, इसीलिए हम इसको क्या लिख देंगे, a1, क्योंकि इसमें भी तो a b c निकलेगा, है ना। तो अगर सब में a b लिखेंगे तो पता नहीं चलेगा वो कौन सा इक्वेशन का है, तो पहला इक्वेशन वाला को हम a1 लिखते हैं, ठीक है, तो a1 5 हो गया। अब देखिए y के साथ जो रहता है उसको b बोलते हैं, तो y के साथ यहाँ कितना है, -4 है, तो क्या लिखेंगे, b1 कितना है, तो -4, क्लियर है। अब जो एक्स वाई नहीं रहेगा उसको c बोलते हैं, तो लास्ट में कितना है इसमें, 8 है c, तो यहाँ लिखेंगे c=8, तीनों निकल गया।
तो ये समीकरण वन से निकला। अब समीकरण टू से भी निकालेंगे, इक्वेशन टू, तो इक्वेशन टू है 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, यहाँ से भी निकालेंगे। तो इसी से कंपेयर करेंगे तो x के साथ जो रहता है उसको a बोलते हैं, मतलब a हो गया 7, b बोलते कि इसको y के साथ, तो b हो गया इसमें कितना 6, और चूंकि इसमें a1 मान है तो इसको a2 मान लेते हैं, इसको b2, और c2 कितना है तो माइनस 9, तो c2 इज इक्वल टू माइनस 9। क्लियर है, इतना आसान निकाल लेना है a1 b1 c1 उसके बाद a2 b2 c2 दोनों इक्वेशन से ये निकाल लेना है। इसको निकालने में कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ यहाँ से उठा करके लिख देना है छांट के, है ना। x के साथ जो रहेगा उसको a बोलना है, y के साथ जो रहेगा उसको b, और जो xy जिसमें नहीं रहेगा उसको कॉन्स्टेंट जो रहेगा उसको c मानेंगे। क्लियर है। अब देखिए हमको कंपेयर किससे करना है, a1 by a2, तो a1 by a2 पहले निकाल के देखते हैं कितना आता है। तो a1 by a2 अगर करें तो कितना आ रहा है, a1 कितना है 5, तो 5 by a2 कितना है 7, 5/7 है, कटेगा तो काटना है अदरवाइज छोड़ देना है, तो ये नहीं कट रहा है तो छोड़ देते हैं। अब अगला निकालते हैं b1 by b2, तो b1 कितना है, b1 है -4, तो लिखेंगे -4 by b2, b2 कितना है 6, ये कट रहा है तो काटते हैं, 2 2 जा 4 2 3 जा 6, यानी कितना आ गया -2/3। अब निकालते हैं c1 by c2, तो c1 by c2 कितना है, c1 कितना है 8, c2 कितना है -9, ये नहीं कटेगा छोड़ देते हैं। अब जिससे मिला के देखिए अब इक्वल आया या अनइक्वल आया, तो पहला का a1 by a2 का आया 5/7 5/7, b1 by b2 का आया 2/3, तो ये तो बराबर नहीं है, यानी क्या आ रहा है a1 by a2 क्या आया नॉट इक्वल टू b1 by b2, ये बराबर नहीं है यार। c1 by c2 ये भी, ये दोनों से अलग है, यानी कि ये भी बराबर नहीं आया, तो नॉट इक्वल टू c1 by c2। तो अगर दो बराबर नहीं आया तो तीसरा देखने की भी ज़रूरत नहीं है, दो अगर बराबर नहीं आया तो दो बराबर नहीं आता उसको क्या बोलते हैं कि यह एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट लिख देना है, या तीनों को भी देख ले तो कोई दिक्कत नहीं, यानी कि बराबर नहीं आया तो क्या लिखेंगे, बराबर नहीं आया तो क्या बोले थे पहले देख लेते हैं, वह अगर बराबर नहीं आया तो क्या लिखेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी इंटरसेक्ट कर रहा है एक लाइन पर, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर में क्या लिखेंगे, यह एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, या एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, ठीक है, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, इंग्लिश में अगर लिखेंगे तो इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पर, एक बिंदु पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक और क्वेश्चन चलिए देखते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या करना है, a1 a2 b1 b2 और c1 c2 सबको निकाल लेना है, तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, जैसे इसमें तो इक्वेशन वन इक्वेशन टू करके अलग अलग निकाले हैं, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन से ही निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो पहला इक्वेशन वाला a1 a2 रहता है, तो यहाँ डायरेक्ट निकालते हैं a1 कितना है 9 है, b1 कितना है y के साथ 3 है, c1 कितना है 12, ठीक। अब दूसरा इक्वेशन वाला क्या बोलते हैं a2 b2, तो a2 कितना है x के साथ 18, b2 कितना है तो y के साथ जो है 6, c2 कितना है तो है वो 24। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको फिर से कंपेयर करना है, a1 by a2 का पहले वैल्यू निकाल लेते हैं, तो a1 9 है, a2 कितना है 18, तो 9/18 ये कट रहा है, 9 1 9 9 2 18, यानी कि 9 का 9 9 2 18 हुआ, तो 1/2 आ गया इसका आंसर, ठीक है। अब b1 by b2 निकालते हैं, तो b1 by b2, b1 कितना है 3 है, by b2 कितना है 6, काटे इसको भी 3 1 3 2 यानी कितना आया 1/2, दो को तो बराबर आ गया 1/2 1/2। अब तीसरा भी देख लेते हैं c1 by c2, c1 कितना है देखिए 12 है, तो 12/24 c2 24, इसको भी काटे तो 12 1 12 2 यानी आ गया 1/2, तो सबका देखिए a1 by a2 का भी 1/2, b1 by b2 का भी 1/2, और c1 by c2 का भी 1/2, यानी ये तीनों इक्वल आए, तो क्या लिखेंगे a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2, तीनों आ गया इक्वल। अब तीनों इक्वल जो आया तो इसको क्या बोलते हैं, यह संपाती है, तो लिख देंगे यहाँ पे संपाती है, या इंग्लिश में लिखे तो को इंसिडेंट लाइन। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
तो बस इसको ध्यान रखना है, अगर बराबर नहीं आया तो क्या लिखेंगे, प्रतिच्छेद करता है। तीनों बराबर आया तो लिखेंगे संपाति है, और अगर एक बराबर आया और अगला बराबर नहीं आता, जैसे ये दोनों बराबर रहता है और ये सी वन बाई सी टू ये बराबर नहीं होता, तो क्या लिखते हैं, ये पैरेलल लाइन है, ठीक है, या समांतर रेखा है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और इसका है, उसको आप अपने सॉल्व कर लीजिएगा, उसके बाद बराबर आएगा तो लिख दीजिए संपाति है, कोई बराबर नहीं आया तो प्रतिच्छेद है, और अगर एक बराबर आया और एक नहीं आएगा तो उसमें क्या लिखेंगे, पैरेलल है या समांतर है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहे हैं, बढ़ते हैं हम अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 है, कंपेयरिंग ए वन बाई टू बी वन बाई बी टू एंड सी वन बाई सी टू। फिर से कंपेयर करना है इसी से, अगर कंपेयर करके हमको बताना है कि जो इक्वेशन दिया हुआ है वो क्या है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट मतलब संगत है या असंगत है, ये हमको जांच करना है, ठीक है। ए वन बाई टू बी वन बाई बी टू और सी वन बाई सी टू जैसा उसमें कंपेयर किए, जस्ट इसी में भी उसी तरह का कंपेयर कर लेना है, उसके बाद देखना है कि ये संगत है या असंगत है, मतलब कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, इसको कैसे जानेंगे। इसके लिए इसका भी कुछ नियम याद रखेंगे, ये तीन नियम है। अगर ए वन बाई ए टू बराबर नहीं आया बी वन बाई बी टू का, ठीक है, अगर बराबर नहीं आया तो क्या लिखेंगे, कंसिस्टेंट है यानी कि संगत है। क्लियर है, कंसिस्टेंट है यानी संगत है अगर बराबर नहीं आया तो, और अगर तीनों बराबर आ गया तो भी होगा वो कंसिस्टेंट और संगत, हिंदी में संगत इंग्लिश में कंसिस्टेंट, तीनों बराबर ना आए या तीनों बराबर आए तो क्या लिखेंगे, संगत संगत, दोनों स्थिति में संगत होगा। और अगर एक बराबर आए और एक बराबर ना आए, यानी कि ए वन बाई ए टू बी वन बाई बी टू के बराबर है लेकिन सी वन बाई सी टू अलग है, ये दोनों से ये अलग है, ये इक्वल नहीं है, तो क्या लिखेंगे, ऐसे स्थिति में ये असंगत है या इनकंसिस्टेंट है। तो याद रखेंगे, बराबर नहीं आया तो भी संगत, बराबर आया तो भी संगत, और एक बराबर और एक नहीं बराबर तो असंगत या इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो ये तीनों अगर याद हो गया तो देखिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ दो इक्वेशन इसमें भी दिया हुआ है, तो सबसे पहले इसको क्या करना है, बराबर से उधर ये नंबर दिया हुआ है, यहाँ भी उधर है, तो सबसे पहले इसको इधर करेंगे, है ना, इक्वेशन को सही करेंगे। इक्वेशन कैसा होना चाहिए, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो के रूप का होना चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह से नहीं है, ए एक्स प्लस बी वाई है लेकिन सी यहाँ नहीं है, सी को उधर कर दिया है, बराबर से उधर, तो बराबर से उधर जो रहेगा उसको पहले इधर ले आएंगे, ठीक है। तो चलिए लाते हैं, तो 3x प्लस 2y प्लस में है उधर, तो इधर आएगा तो माइनस 5, इधर बच गया 0। अब देखिए इक्वेशन, ठीक है, जनरल इक्वेशन जो है उसी जैसा हो गया। इसी तरह दूसरा को भी करते हैं, 2x माइनस 3y ये प्लस में 7, इधर आया तो माइनस 7 इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब यहाँ से फिर से ए वन ए टू बी ए वन बी वन सी वन और ए टू बी टू सी टू तीनों को निकाल देंगे। तो चलिए निकालते हैं यहाँ से, तो ए वन कितना होगा, तो 3 बी वन कितना, 2 सी वन कितना है, तो यहाँ पर देखिए सी में माइनस 5 है, तो माइनस 5, माइनस में ध्यान रखिएगा, है ना, माइनस को छोड़ मत दीजिएगा अदरवाइज गलत हो जाएगा। अब इस इक्वेशन से हमको निकालना है ए टू, तो निकालते हैं ए टू कितना है, 2 बी टू कितना है, माइनस 3 और सी टू कितना है, माइनस 7। क्लियर है। अब इसको फिर से ए वन बाई ए टू कर निकालते हैं, ए वन बाई ए टू, तो ए वन है 3 बाई ए टू है 2। क्लियर। बी वन बाई बी टू निकालते हैं, तो बी वन बाई बी टू निकाले तो बी वन है 2 और बी टू है माइनस 3, ठीक है, तो कोई नहीं कट रहा है। अब सी वन बाई सी टू भी निकाल ही लेते हैं, ऐसे यहीं पता चल गया इक्वल नहीं है, मतलब क्या लिखेंगे कि संगत, यह क्या है, संगत है, है ना, लेकिन फिर भी सी वन बाई सी टू भी निकाल ही लेते हैं, तो 5/7, तो माइनस माइनस कट गया तो बचा क्या, 5/7। अब देखिए कोई बराबर नहीं आया, और कोई बराबर नहीं आया तो क्या लिखते हैं उसको, संगत, कोई बराबर नहीं आया तो भी संगत होता है, अगर सब बराबर आया तो भी संगत, और अगर एक बराबर नहीं आया तो असंगत, ठीक है। इसमें कोई बराबर नहीं आया मतलब क्या हुआ, ए वन बाई ई टू नॉट इक्वल टू है बी वन बाई बी टू, और ऐसा स्थिति में क्या बोलते हैं इसको, इसको भी लिख ही लेते हैं, सी वन बाई सी टू बराबर नहीं, ये क्या होगा, संगत, यह क्या है, तो संगत है, या इंग्लिश में बात करें तो कंसिस्टेंट। क्लियर, ये हो गया आंसर। तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ ए वन बाई ए वन ए टू बी टू ये सब निकाल के और इसको ए वन बाई ए टू बी वन बाई बी टू और सी वन बाई सी टू में रख देना है,
कटेगा तो काटना है, उसके बाद सिर्फ देखना है, कुछ सॉल्यूशन कुछ कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ देख के बताना है कि बराबर है या नहीं है। बराबर है अगर तीनों तो संगत लिखना है, तीनों बराबर नहीं है तो भी संगत लिखना है, एक बराबर और एक बराबर नहीं तो असंगत। क्लियर है? बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसका। ये क्वेश्चन है, इसमें भी पहले निकालेंगे A1, A2, B2। तो इसमें डिवाइड में है तो आप चाहे तो इस डिवाइड को पहले सीधा इक्वेशन में बना सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज इसको भी अगर मान ले तो कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। लेकिन अगर इससे आपको डिवाइड में देख के थोड़ा ओड लग रहा है तो इसको सिंपल में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? तो ये प्लस में है और ये भिन्न में है तो इसको जोड़ देंगे। तो कैसे जोड़ते हैं? भिन्न जोड़ को तिरछा तिरछी गुना करके, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको जोड़े तो कितना हो जाएगा? ये 3 3 मल्टीप्लाई होगा तो 3 3 जा 9 और x है, प्लस 5 2 जा 10 और उसके साथ y, और नीचे नीचे मल्टीप्लाई होता है तो 3 2 जा 6 और इधर आ गया 7 है इधर। क्लियर है? अब ये 6 डिवाइड में भाग में है तो उधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? गुना में। तो यह 9x प्लस 10y बराबर 7 × 6, 7 6 42 हो गया उधर। ठीक है? अब फिर से बराबर से उधर है वो तो उसको इधर ले आएंगे तो ये और अच्छा इक्वेशन बन जाएगा। 9x प्लस 10y 7 6 42 हो रहा है जो कि बराबर से उधर है तो इधर लिख देते हैं 42 को, तो माइनस में लिखेंगे, प्लस में है तो, है ना, तो इधर बच गया 0। अब इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है? तो इस तरह से था डिवाइड में, तो डिवाइड में रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, फ्रैक्शन में रहे कोई दिक्कत नहीं है, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप सीधा कर सकते हैं। ठीक है? या डायरेक्ट यहाँ से भी मानेंगे तो भी बन जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन में थोड़ा सा दिक्कत होगा, 3 बार डिवाइड आ जाएगा। तो आप सिंपल कर ही ले तब बनाए तो और आसान होगा ना, ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सीधा कर लेंगे, इक्वेशन को सीधा हो गया, उसके बाद ये इक्वेशन 1 हो गया। इक्वेशन 2 देखिए, ये तो पहले से सीधा साधा है तो इसको सीधा करने की ज़रूरत नहीं है ना, इससे डायरेक्ट निकालेंगे। ठीक है? चलिए निकालते हैं, यहाँ से A1 A2 निकाल लेते हैं। पहले A1 समीकरण 1 से निकाल रहे हैं, तो A1 कितना है? 9। B1 कितना है? 10। C1 कितना है? -42। ठीक है? अब समीकरण 2 से निकालेंगे इसको, इससे 9x माइनस 10y बराबर 14, ये है समीकरण 2। इससे फिर निकालेंगे क्या? अच्छा, इसको सिर्फ थोड़ा सा इधर करना होगा, ये प्लस में 14 है तो इधर करना होगा इसको 9x माइनस 10y, ये प्लस में इधर आएगा तो -=0। अब ठीक है? अब निकालते हैं A2 कितना हो गया? 9। B2 कितना हो गया? -10। C2 कितना हो गया? -14। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको फिर से फार्मूला में बैठाएंगे, कौन सा फार्मूला? A1 by A2। तो A1 by A2 मतलब A1 कितना? 9 by A2 कितना? 9। कटेगा दोनों तो क्या बन जाएगा? 1। अब B1 by B2 निकालते हैं, B1 by B2। B1 कितना है? 10। बाय B2 कितना है? -10 में है ये, इसको भी काटें तो क्या आ जाएगा? -1 ही आ गया। ठीक है? C1 by C2 निकालते हैं तो ये 42 by 14 माइनस में है, ये भी माइनस में है तो माइनस माइनस कैंसिल, उसके बाद ये कटेगा 7 से 7 2 14 7 6 42, फिर 2 1 2 2 3 6, मतलब इसका आया कितना? 3। अब देखिए इसमें भी बराबर नहीं आया, ये 1 1 आया, मतलब इसको बराबर मत समझिएगा, ये प्लस में है ये माइनस में है तो बराबर नहीं है, मतलब कोई बराबर नहीं आया। तो A1 by A2 नॉट इक्वल टू आया B1 by B2, फिर नॉट इक्वल टू C1 by C2, और कोई बराबर नहीं आया तो उसको क्या बोलते हैं? संगत। तो लिख देंगे संगत है ये या कंसिस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह का क्वेश्चन बन जाएगा, कुछ कैलकुलेशन नहीं करना है, सिर्फ आपको A1 A2 B1 B2 C1 C2 ये सब चीज़, ये चारों छओं को निकाल करके उसके बाद ये फार्मूला में बैठा देना है। कटेगा तो काटना है, उसके बाद सिर्फ देखना है कि बराबर आया या नहीं आया। बराबर नहीं आया तो संगत लिख देना है, सब बराबर आया तो भी संगत लिखना, अगर एक बराबर और एक बराबर नहीं आया तो असंगत लिखना। ठीक है? जिसका और भी क्वेश्चन है जिसको आपके लिए छोड़ रहे हैं, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। आप अपने से अगला क्वेश्चन बना सकते हैं, 2 क्वेश्चन और है ना। हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, इसके आगे का क्वेश्चन क्या है तो उस क्वेश्चन में भी यही चीज़ करना है, इसलिए अगर यहाँ भी थोड़ा बहुत डाउट अगर बचा हुआ है तो अगला क्वेश्चन में वो क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए 3 नंबर क्वेश्चन का 2 ही सॉल्व कर रहे हैं और 2 क्वेश्चन आप अपने से कीजिए। हम बढ़ते हैं 4 नंबर में भी यही करना है, संगत असंगत निकालना है, उसके बाद ग्राफ बनाना है।
तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। यानी फिर से पूछा है कि दिए गए रैखिक समीकरण के युग्म में से कौन से युग्म संगत है या असंगत है, संगत असंगत फिर से छांटना है। और अगर बोला है यदि संगत है, इफ कंसिस्टेंट यानी संगत है, तो उसका सॉल्यूशन निकाले, कैसा सॉल्यूशन, ग्राफिकली, ग्राफ में उसको दर्शाना है, ठीक है, ग्राफ विधि से हल करे बोला है। अगर संगत है तो, संगत नहीं होगा तो वहीं पे छोड़ देना है असंगत लिख करके, और अगर संगत है तो ग्राफ विधि से हल करना है। तो सबसे पहले इसमें भी जानना होगा कि संगत क्या है असंगत क्या है, कैसे जानेंगे, इसको तो पहले अभी तुरंत बताएं कि अगर सब बराबर आया, a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों कंपेयर करने से तीनों बराबर आया तो संगत है, तीनों बराबर नहीं आया तो भी संगत है, और अगर एक बराबर और एक बराबर नहीं आया तो असंगत है। तो असंगत रहेगा तो आगे हल नहीं करना है, वहीं ख़त्म हो जाएगा, और अगर संगत आया तो आगे हल करना है, कैसा हल करना है, तो ग्राफ विधि से यानी ग्राफ बनाना है। और ग्राफ बनाने का 2 क्वेश्चन इससे पहले ही बता चुके हैं इसी एक्सरसाइज में, और 3.1 में भी, 3.1 में भी ग्राफ बनाना था, 3.2 का भी कुछ क्वेश्चन ग्राफ बनाना था पहला नंबर का, उसको भी अब बता दिए इसके पहले का वीडियो में, तब वो सब वीडियो देख करके आप क्लियर हो सकते हैं ग्राफ बनाने का। ऐसे इसमें भी एक आध क्वेश्चन बना दे रहे हैं ग्राफ से। पहले इसको देखिए कैसे सॉल्यूशन करना है, पहला नंबर इसको देखते हैं। तो इसमें भी देखिए इधर होना चाहिए कैसा, ax + by + c = 0 के रूप में, लेकिन यहाँ पे c इधर किया हो बराबर से उधर है, सबसे पहले इधर लाएंगे, है ना, सबको एक तरफ कर लेंगे। तो देखिए x + y होगा, प्लस में 5 है तो इधर आएगा तो -5 = 0, तो ये बन गया समीकरण 1, इक्वेशन 1। इसी तरह दूसरा में करेंगे तो 2x + 2y प्लस में तो -10 हो जाएगा उधर, इधर बच गया 0, तो ये हो गया 2। तो 2 समीकरण बन गया। अब दोनों से हमको a1 a2 निकाल लिए, चलिए निकालते हैं। तो पहले a1 निकालते हैं, तो a1 में क्या देखेंगे, समीकरण 1 में तो x के साथ कितना है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं मतलब क्या है, 1 है, तो 1 लिखेंगे। b1 के साथ y के साथ भी कुछ नहीं है मतलब 1 होगा। c कितना है तो -5 c1, क्लियर है। अब a2 कितना है तो 2 है, b2 कितना है फिर से 2 है, c2 कितना है -10 है, ठीक है। अब फिर से इसको सॉल्यूशन निकालें किसका, a1/a2 का, तो a1/a2 मतलब a11 और a2 है, a2 b1/b2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, b1 है 1 और b2 है 2, तो 1/2। c1/c2 निकाले तो क्या होगा, -5 - 10, देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो जाए और ये 5 भी कैंसिल, 5 1 = 5 2 = यानी कितना आ गया 1/2। तो देखिए तीनों का वैल्यू 1/2 आया, तीनों का है मतलब क्या है, तीनों a1/a2 जो है वो इक्वल है b1/b2 का, और ये भी इक्वल है c1/c2 का, मतलब तीनों इक्वल है, तो तीनों में इक्वल साइन लगा देना है, और तीनों इक्वल को क्या बोलते हैं, तो यह संगत है ना, यानी कंसिस्टेंट है। तो कंसिस्टेंट है तो क्या बोला है कि आगे ग्राफ विधि से इसको हल करें। तो ग्राफ विधि का तो बहुत सारा वीडियो बना चुके हैं, 2 वीडियो है, फिर भी यहाँ भी थोड़ा सा बता दे रहे हैं थोड़ा स्पीड में। ग्राफ को डिटेल से पढ़ने के लिए 3.1 देखें, और 3.2 का जो पार्ट 1 है उसमें भी ग्राफ विधि से हल करना था, उसमें भी ग्राफ बताए हैं, ठीक है। तो चलिए अब इसको देखते हैं ग्राफ विधि से हल करने के लिए क्या करेंगे। तो ग्राफ विधि से हल करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले समीकरण 1 में जाते हैं, समीकरण 1 से यानी फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 लिख लेंगे पहले क्या है कितना है। इक्वेशन 1 है x + y - 5 = 0। अब इस इक्वेशन 1 को में x या y में कुछ अपने से वैल्यू रखना है, x का रखेंगे तो y का वैल्यू आता है, y का रखेंगे तो x का वैल्यू आता है। तो उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले इधर x या y को रहने देंगे, बाकी सबको बराबर से उधर बॉर्डर पार कर देंगे, ठीक है। तो x को मान के लिए रहने देते हैं इधर, तो बाकी सबको उधर ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा, माइनस में 5 है तो ये प्लस में हो जाएगा, और वो ये y प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में, इस तरह से कर लेना है। यानी इधर x या y सिर्फ बचाना है ताकि इसको सॉल्व करने में आगे आसानी हो। उसके बाद यहाँ पे अपने से वैल्यू एक टेबल बना लेना है वैल्यू रखने के लिए x और y। अब यहाँ देखिए y का वैल्यू रखना है, इधर y है तो y का वैल्यू अपने से रखते हैं, तो y की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं, 0 मान के लिए रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, 5 - 0 घटाएंगे तो 5, तो आ गया x कितना 5। फिर y का वैल्यू कितना रखें, तो 1 या 2 कुछ भी रख सकते हैं, 1 रखते हैं, तो 1 रखेंगे कितना हो जाएगा, 5 में 1 माइनस तो 4।
इस तरह का जो क्वेश्चन है एग्जाम में, यहाँ एग्जाम में नहीं पूछा जाए कि संगत है या असंगत है, संगत है तब ग्राफ बनाए, उसमें डायरेक्ट रहेगा कि ग्राफ विधि से हल करें। दो इक्वेशन दिया हुआ रहेगा और लिखा हुआ रहेगा ग्राफ विधि से हल करें, और जगह भी बहुत छोटा रहेगा, इसको डायरेक्ट बनाना है, ये इतना सा कर लेना है, उसके बाद टेबल डायरेक्ट इसमें, जैसे यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व करना है कि जीरो रखे तो फाइव आया, वन रखे तो फाइव में एक फोर आया, इसको घटाने का और इसको सॉल्व करने का जगह नहीं रहेगा। जिसको सिर्फ समझने का भी पूरा सॉल्व करके बताए हैं पिछले वीडियो में भी, लेकिन आपको समझने के बाद आपको कोशिश करना है कि डायरेक्ट इसको मान रखे, है ना, जैसे इसमें रखे वन किए, वन वाई की जगह वन रखे तो कितना आया, तो फाइव में वन माइनस तो फोर आया, तो फोर डायरेक्ट लिख दिए, इसको सॉल्यूशन नहीं किए यहाँ पे, है ना। तो ये इक्वेशन वन का बन गया। अब इक्वेशन टू का भी देख लेते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन टू लिखेंगे, यानी समीकरण टू से, समीकरण टू से, तो समीकरण टू कितना है, टू एक्स प्लस टू वाई माइनस टेन इक्वल टू जीरो है। तो यहाँ भी क्या करेंगे, एक्स को या वाई को रहने देंगे, बाकी सबको उधर ले आएंगे। तो यहाँ एक्स या वाई किसी को भी रख सकते हैं इधर, है ना। तो यहाँ चलिए हम एक्स रखे थे, यहाँ वाई रख के बता दे रहे हैं कैसे होगा। तो वाई को अगर इधर रख देते हैं, तो वाई को, वाई के साथ टू है तो टू वाई भी अभी रहेगा, ठीक है, बाकी को उधर करते हैं, तो ये माइनस में तो इधर आएगा तो प्लस टेन, ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस टू एक्स। अब फिर से यहाँ पे सिर्फ y होना चाहिए, यहाँ 2 भी है तो 2 को भी उधर करना होगा, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2 इंटू में मल्टीप्लाई में, तो उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। क्लियर है, इतना हो गया। उसके बाद फिर से वही टेबल एक बनाना है, और इसमें भी एक्स वाई का वैल्यू रखते जाना है। तो इधर x है, अब तो यहाँ पे x का वैल्यू रखेंगे, ठीक है। तो अगर x मान चलिए जीरो रखते हैं, तो एक्स जीरो रखे तो ये टू इंटू जीरो होगा, तो ये जीरो बन जाएगा पूरा, तो क्या बन जाएगा, दस और नीचे है दो, तो दस बटा दो, तो दो को दस से भाग देंगे या काटेंगे तो कितना आ जाएगा, दो पच्चे दस, यानी वाई आएगा पाँच। तो इस तरह से डायरेक्ट सॉल्व करना है, ठीक है। अब अगर देखिए टू रख के देखते हैं, या वन ही रख के देखते हैं, तो वन रखें, तो वन रखेंगे तो क्या हो जाएगा, टू वन जो टू, यहाँ दो होगा, और दस में दो माइनस है तो घटाएंगे तो आठ बचेगा, फिर आठ में नीचे बटा दो है तो आठ बटा दो, मतलब इसको काटेंगे तो या भाग देंगे तो चार आएगा। क्लियर है, तो ये इक्वेशन बन गया दोनों का, दोनों का वैल्यू आ गया। तो इस तरह से दो दो वैल्यू हर इक्वेशन का निकाल लेना है, उसके बाद इसको सिंपल ग्राफ में दर्शा देना है। तो ग्राफ में दर्शाने का विधि पहले ही बता चुके हैं, बार बार बोल रहे हैं कि आप जाकर के उस वीडियो को देखें तो और अच्छा से क्लियर हो जाएगा। यहाँ भी थोड़ा सा छोटा सा ग्राफ बना के दिखाई दे रहे हैं, ये मान चलिए ग्राफ है, इधर क्या रहता है x, इधर x डैश, इधर y, यहाँ पे y डैश, ठीक है, बीच में जीरो रहता है, इधर वन टू थ्री फोर फाइव इस तरह से, इधर भी वन टू थ्री फोर फाइव, इधर माइनस में रहता है, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव, इधर माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव, ठीक है, हाईएस्ट फाइव तक है इसलिए फाइव ही तक लिए। अब इसका वैल्यू देखिए कैसे पुट करना है, इसमें कैसे दर्शाना है इसको। तो एक्स का वैल्यू पाँच है, वाई का जीरो, तो एक्स पाँच खोजेंगे यहाँ पे, वाई जीरो, तो इसका सीधा करेंगे तो एक्स में पाँच वाई का जीरो, तो वाई और एक्स का जीरो तो यहीं है, तो इसका सीधा कहाँ होगा, यहीं पर होगा, तो यहाँ एक पॉइंट बन रहा है, कौन सा पॉइंट, तो फाइव और जीरो, तो एक हो गया। दूसरा फोर और वन है, एक्स में फोर वाई में वन, तो एक्स में फोर यहाँ और वाई में वन, तो इसका सीधा करेंगे तो इसका सीधा कहाँ आएगा, इसका ऊपर ऐसे जाएगा सीधा इसका यहाँ, तो ये हो गया इसका फोर एक्स में और वाई में वन, तो यहाँ लिख देंगे फोर और वन। तो ये दो बिंदु जो बना, यही दोनों बिंदु से कट करते हुए एक लाइन खींच देंगे, तो इस तरह से, इस तरह से स्केल से आप सीधा से खींचिएगा, है ना, तो एक लाइन खींच दिए, तो ये किसका लाइन हुआ, इक्वेशन वन का, ठीक है, ये हो गया। अब इक्वेशन दो देखेंगे, ये इक्वेशन टू, तो यहाँ पे x जीरो है y फाइव है, तो x जीरो यहाँ y में फाइव, तो यहाँ होगा, तो यहाँ एक पॉइंट बन रहा है, क्या पॉइंट बन रहा है, तो जीरो और फाइव। यहाँ पे ब्रैकेट में लिखने समय ध्यान रखेंगे, पहले x को लिखेंगे तब y को, ठीक है, तो x का वैल्यू जीरो फिर y, तो x कोमा वाई यानी कि जीरो कोमा फाइव, एक बन गया। दूसरा कहाँ बनेगा, तो x में वन y में फोर, तो x में वन यहाँ है y में फोर यहाँ है, तो इसका सीधा कहाँ जाएगा, इसका ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे, इधर से फोर का सीधा, इधर वन का सीधा, तो ये किसका है,
ये है वन और फोर का। फिर से दो बिंदु जो बना यही दोनों बिंदु को मिलाते हुए ऐसा एक लाइन खींच देना है इस तरह से, ठीक है। और ये किसका लाइन है, तो इक्वेशन टू का लाइन है। तो इस तरह से ग्राफ बनता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो इससे पहले का वीडियो को देखने के लिए आप, या इसका पूरा सॉल्यूशन जी पूरा चैप्टर देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको क्लास वाइज लिस्ट बनाया हुआ है, आप जिस क्लास का भी देखना चाहें वहाँ पे जा कर के चैप्टर वाइज आप हर एक चैप्टर का पूरा पूरी सॉल्यूशन देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए एक और क्वेश्चन इसका थोड़ा सा बता देते हैं और बाकी आप अपने से कर लीजिएगा, क्योंकि आप समझ भी गए होंगे इतना क्वेश्चन बताने के बाद। एक क्वेश्चन देखते हैं, इसको देखते हैं थ्री नंबर, ठीक है। तो यहाँ देखिए दो इक्वेशन यहाँ भी है, इक्वेशन वन और टू। सबसे पहले इसमें ए वन ए टू निकालते हैं, तो ए वन कितना है, टू है। बी वन कितना है, कुछ नहीं है वाई में तो एक है। सी वन कितना है, माइनस सिक्स। ए टू कितना है, फोर है। बी टू कितना है, बी टू माइनस टू है। सी टू कितना है, माइनस फोर, ठीक है। फिर से निकालेंगे ए वन बाई ए टू कितना हो जाएगा, टू बाई फोर। बी वन बाई बी टू कितना हो जाएगा, वन बाई माइनस टू। सी वन बाई सी टू कितना हो जाएगा, माइनस सिक्स बाई माइनस फोर। अच्छा, इसको काटना भी है, तो काटेंगे तो वन यहाँ टू, टू वन जै टू, टू जै फोर, यानी कि ए वन बाई टू कितना है, वन बाई टू। बी वन बाई बी टू कितना है, तो इतना ही कटेगा, ये दो तीन छः, दो दूनी चार, यानी ये तीन बटा दो, माइनस माइनस भी कटिए। अब देखिए बराबर आया क्या, तो ए वन बाई टू, वन बाई टू आया, बी वन बाई बी टू माइनस में है ये वन बाई टू, और ये तो अलग ही है, यानी कोई बराबर नहीं आया। तो कोई बराबर नहीं आया मतलब ए वन बाई ए टू नॉट इक्वल टू है बी वन बाई बी टू, और ये भी नॉट इक्वल टू है सी वन बाई सी टू का। तो कोई बराबर नहीं आया तो भी उसको क्या बोलते हैं, संगत है। यानी फिर से ये संगत आ गया, तो फिर से इसका ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। और अगर एक बराबर आता, एक बराबर नहीं आता, तो क्या लिखते हैं, असंगत है, और उसका ग्राफ नहीं बनेगा, उसमें सिर्फ असंगत लिख करके छोड़ देना है। और चूंकि ये संगत आया तो इसको आगे सॉल्व करना है ग्राफ विधि से। तो ग्राफ विधि यहाँ पे आप क्लियर समझ गए होंगे, और इसका पहले का भी दो वीडियो ग्राफ पे ही है, इसलिए इसका ग्राफ नहीं बता रहे हैं, आप अपने से इसको कर लीजिएगा। और अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कीजिए, आपको इसका सॉल्यूशन तुरंत मिल जाएगा। तो चलिए ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही, देखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में इसके आगे का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 ये सब को लेकर के आते हैं। तब तक के लिए आप इसको सॉल्यूशन करें, जो बच गया है उसको आप सॉल्व करें, और अगर कोई डाउट उसमें हो तो आप हमें कमेंट करके पूछें, या हमारा व्हाट्सएप नंबर में मैसेज करें, आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। व्हाट्सएप नंबर लिख दे रहे हैं 8271133533 7।